हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। आज इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन का। सबसे पहले आप अपना टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करें। फाइल, न्यू। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स आएंगी। व्यूअर्स, हमारी हेडर फाइल आ गई है। अब हम अपना प्रोग्राम ड्राइव करेंगे। याद रखिए, प्रोग्राम का कर्ली ब्रेसेस के अंदर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन करेंगे। क्लियर स्क्रीन का पर्पज़ ये होता है कि जब आप प्रोग्राम रन करवाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करवाएंगे, अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे तो वो प्रीवियस डेटा भी आपको इनपुट करता रहेगा। क्लियर स्क्रीन का बेसिक पर्पज़ है, वो प्रीवियस डेटा को क्लियर करता रहेगा। अब उसके बाद हम इंटीजर पुट करते हैं। इंटीजर के लिए हम INT लगाएंगे। कुछ भी आप इंटीजर पुट कर सकते हैं। मैं करूँगा ए बी एंड एट, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आप डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, जब आपने इंटीजर भी पुट कर दिए, तो जब तक आप कुछ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएंगे, यूज़र को पता नहीं चलेगा कि हमने उसने एक्शन क्या करना है। जब आप प्रोग्राम रन करवाएंगे, कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएंगे, तो एज अ ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी। यूज़र को पता नहीं होगा कि वो प्रोग्राम है या कोई ब्लैंक स्क्रीन है। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें, एंटर टू नंबर। जब भी आपने एंड करना है फंक्शन को, तो आपने लाजमी सेमी कॉलन आखिर में लगाने हैं। अब हमने इंटीजर भी दे दिए, प्रिंट भी स्टेटमेंट करवा दी। अब अगला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने यूज़र से इनपुट रिसीव करनी है। यूज़र इनपुट देगा, प्रोग्राम रिसीव करेगा। तो रिसीव के लिए हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन एफ में बेसिकली हमने किया क्या है कि परसेंटेज डी परसेंटेज ई एज इट इज़ आएगी जब भी आपने रिसीव करना है। ये मैंने दो बार इसलिए की है क्योंकि हमने ए और बी को प्लस करना है आपस में। अगर हमने एक वैल्यू को डिफाइन करना होता तो हम एक बार ही करते, और उसके साथ एंड भी एज इट इज़ आएगा। और ये जो ए और बी है, ये जो आपने इंटीजर में वैल्यू इनपुट करवाई थी, ये वो लिया आपने। सेम जो इंटीजर में इनपुट करवाएंगे वही आपने एज इट इज़ लिखनी है। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एड इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने इंटीजर भी पुट करवा दिए, प्रिंट भी स्टेटमेंट करवा दी, स्कैन अब रिसीव भी कर लिया, एडिशन का फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। अब हमने रिजल्ट इनपुट करवाना है, तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। रिजल्ट इक्वल होगा परसेंटेज डी के और एड के। इसमें बेसिकली हमने किया है कि रिजल्ट जो होगा वो इक्वल होगा परसेंटेज डी जो यूज़र इनपुट देगा उसे, और वो जो इनपुट जो लेगा वो एडिशन के ऐड के फॉर्मूले के मुताबिक उसे प्लस करेगा और हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं गेट सी एच की स्टेटमेंट लगा के और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मकसद ये होता है कि आपका कोई भी प्रोग्राम में एरर है तो वो आपको शो कर दे, जैसा कि मेरे यहाँ पे एक एरर है। क्लियर स्क्रीन CLR SCR। कंपाइल करेंगे, ये देखें व्यूअर्स, कोई एरर नहीं है। अब रन कर सकते हैं हम। पहली स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, एंटर टू नंबर्स। एंटर करेंगे, रिजल्ट 90। देखिए व्यूवर्स, हमारा परफेक्टली प्रोग्राम ड्राइव हो गया है
और आई होप कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।